Hello students, I am Dr. Umesh Bansod from the Department of English, J.M. Patel College, Bhandara, Maharashtra. In today's lecture, we shall discuss one of the important personality, Sri Lakshmi Suresh. आज के इस लेक्चर में हम एक फेमस पर्सनालिटी को एक नन्ही से उम्र की सीमा को लांघकर आसमान की ऊंचाई को छूने का जिन्होंने प्रयास किया उसे कामयाब व्यक्ति को जानने का प्रयास करेंगे. We try to understand these successful people, entrepreneurs, who succeeded, excelled in their life, apart from all hardships, so that we can get inspiration, so that we can get some motivation from these people. कुछ ऐसे व्यक्तियों को हम जानने का प्रयास करते हैं, जिनके माध्यम से जीने की हमें भी प्रेरणा मिले. पाते हैं कुछ गुलाब, चट्टानों में भी परवरिश, और पत्थरों से भी आती है खुशबू कभी-कभी. विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी सारी सीमाओं को सारे बंधनों को लांघकर जिन लोगों ने कामयाब होने का एक नया अध्याय रचा है उसमें श्री लक्ष्मी सुरेश का नाम भी सबसे इम्पोर्टेंट है. सपनों को तराश कर हकीकत बनाई जादूगिरी कैसे बेमिसाल कर गया और मैं ढूंढता रहा अल्फाजों में और वो कमाल कर गया. ऐसे कमाल करने वाले लोगों के बीच में एक नाम शुमार है श्री लक्ष्मी सुरेश का. टुडे वी शैल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट कंट्रीब्यूशन श्री लक्ष्मी सुरेश हैज गिवन टू द फील्ड ऑफ कंप्यूटर एंड एज इंस्पिरेशन फॉर मेनी ऑफ अस. श्री लक्ष्मी सुरेश वाज बोर्न इन 1998 में श्री लक्ष्मी सुरेश का कोझीकोड केरला में जन्म हुआ. And she started using computers at the age of 3. सिर्फ 3 साल के नन्ही उम्र में ही उन्होंने कंप्यूटर को यूज करना शुरू कर दिया. Not only used and designed a fully functioning website for her school at the age of 8. सिर्फ 8 साल की उम्र में अपने स्कूल के लिए fully function करने वाली एक वेबसाइट का निर्माण भी किया. इसको child prodigy कहते हैं. विलक्षण प्रतिभाओं के बच्चे कुछ धनी होते हैं, अपनी प्रतिभाओं के माध्यम से सबको आश्चर्यचकित कर देते हैं. 8 साल की उम्र में ही श्री लक्ष्मी सुरेश ने अपनी स्कूल के लिए वेबसाइट बनाई. हर स्किल गेन्ड हर वर्क वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन एंड नंबर ऑफ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स व्हाइल शी वाज स्टिल वेरी यंग. बहुत कम उम्र में ही सारी दुनिया में उनका नाम फैलने लगा, लोग उन्हें जानने लगे और बहुत सारे इंडियन हो या इंटरनेशनल अवार्ड्स हो उन्हें बहुत कम उम्र में ही मिलने शुरू हो गए. इन 2009 शी लॉन्च्ड हर ओन स्टार्टअप कॉल्ड ई डिजाइन. 2009 में उन्होंने अपना खुद का स्टार्टअप शुरू किया ई डिजाइन के नाम से एंड देयरबाय बिकमिंग वन ऑफ द यंगेस्ट सीईओ इन द कंट्री एट द एज ऑफ 11. और सिर्फ 11 साल की उम्र में सीईओ बनने का अपनी कंपनी का सीईओ बनने का श्रेय श्री लक्ष्मी सुरेश को जाता है. इस प्रकार से एक प्रतिभा संपन्न परिवार में जन्मे श्री लक्ष्मी सुरेश ने पिता के कदमों पर चलकर अपने आप को दुनिया के बहुत जाने माने लोगों में स्थापित करने का प्रयास किया. श्री लक्ष्मी पेरेंट्स सुरेश मेनन एंड विजू सुरेश लिव्ड इन केरला and worked as a lawyer and school teacher respectively. अगर family की बात करें तो सुरेश मेनन उनके जो पिता है वो lawyer है और विजय सुरेश जो उनकी मम्मी है वो school teacher है. and they owned a computer and saw the advantage of teaching their young daughter how to use it. बहुत कम उम्र में ही उन्होंने घर में computer खरीद लिया था और बच्चे को किस माध्यम से बहुत प्रभावी ढंग से सिखाया जा सकता है इसका उन्होंने प्रयास किया. इन द लेट 1990s एंड अर्ली 2000s कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट वेयर नॉट येट एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ हाउसहोल्ड्स. हम 1990 और 2000 के दशक की बात कर रहे हैं. ये ऐसा दौर था जब कंप्यूटर्स बोलो, लैपटॉप कहो या सेलफोन कहिए या फिर इंटरनेट कहिए, ये घरगुती या घरेलू बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं समझी जाती थी. दो बिल गेट्स वाज रिवर्ड बाय मेनी इन द आईटी इंडस्ट्रीज एंड हिस्टोरी एंड सक्सेस वाज वन यंग एडमायरर्स ड्रीम ऑफ एमुलेटिंग.
बिल गेट्स का उदाहरण सारी दुनिया के सामने था। बिल गेट्स ने जिस प्रकार से कंप्यूटर के फील्ड में सारी दुनिया को प्रभावित किया है, ये वही दौर था। पर फिर भी भारत में 1990 के दशक में इंटरनेट वगैरह इतना फ्रिक्वेंटली लोगों को नहीं मिलता था। एट द टाइम नोटपैड एंड एमएस पेंट वर बेसिक एप्लीकेशंस अवेलेबल फॉर डिजाइन। ये वो दौर था जब माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत सारे इन्वेंशन तो करना शुरू किया था, पर भारतीय लोगों के पास इस प्रकार के गैजेट्स आने के थे। और नोटपैड या एमएस पेंट वगैरह ये कुछ बेसिक एलिमेंट्स हुआ करते थे, एप्लीकेशंस जिसके द्वारा लोग काम करते थे। श्री लक्ष्मी यूज नोटपैड, माने पहले वर्ड में, फिर इसके पहले डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हुआ करते थे, इंकजेट प्रिंटर्स बहुत बाद में आए, फिर लेजर प्रिंटर्स आए। तो प्रिंटर के क्षेत्र में जिस प्रकार से कामयाबी मिलती गई, तो विंडोज के आने के पहले जिस प्रकार के डॉट्स डॉस बेस एप्लीकेशन हुआ करते थे, हर एक चीज के लिए कमांड देनी पड़ती थी, तो एक अलग ही दौर था। ऐसे में नोटपैड के जरिए जरिए और सिर्फ पेंट के एमएस पेंट के जरिए ही श्री लक्ष्मी सुरेश ने लेटर टाइप करना और इंग्लिश अल्फाबेट को सीखना शुरू किया। शी यूज एमएस पेंट टू ड्रॉ एंड कलर पिक्चर्स। फिर पिक्चर बच्चे जनरली एमएस पेंट में पिक्चर्स को बनाने में और कलर करने में एक एंटरटेनमेंट के तौर पर करते हैं। श्री लक्ष्मी सुरेश ने अपनी प्राइमरी अवस्था में इस प्रकार के एमएस पेंट को और नोटपैड को ही फिर जरिया बनाया अपने कंप्यूटर के ज्ञान को बढ़ाने के लिए। दिस अर्ली एक्सपीरियंसेस हेल्प श्री लक्ष्मी बिकम फैमिलियर विद कंप्यूटर प्रोग्राम्स। नोटपैड और एमएस पेंट ने श्री लक्ष्मी सुरेश को कंप्यूटर के अलग अलग प्रोग्राम से तारुफ कराया, उनका परिचय कराया, एंड शी ग्रू क्यूरियस टू सी व्हाट मोर कुड बी डन विद द कंप्यूटर। फिर यही जिज्ञासा उन्हें कंप्यूटर के और चीजों के बारे में जानने के लिए प्रेरित करती रही, एंड हर पेरेंट्स एक्टिवली एनकरेज दिस इंटरेस्ट। माँ बाप ने, दोनों ने श्री लक्ष्मी के इस इंटरेस्ट को सपोर्ट किया और आगे बढ़ाया, एनकरेज किया। सुरेश वुड ऑफन टेल हर टू ट्राई आउट समथिंग न्यू एंड डिफरेंट। पिता सुरेश हमेशा उस श्री लक्ष्मी को अलग कुछ करने के लिए प्रेरित करते, कुछ अलग समथिंग न्यू और कुछ नया करने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहे। ही बिगैन शोइंग हर वेबसाइट्स डिजाइन्स बाय यंग चिल्ड्रन दैट वर रफली हर एज और ओल्डर। श्री लक्ष्मी को हमेशा पिता सुरेश उन बच्चों के ई डिजाइन्स, वेबसाइट डिजाइन्स दिखाया करते तो जो उन्हीं की उम्र के थे और जिन लोगों ने दुनिया में कारनामे किए थे कंप्यूटर के फील्ड में, ई डिजाइन के फील्ड में। वन थिंग ही नोटिस्ड वाज दैट द मोस्ट ऑफ द यंग वेब डिजाइनर्स वेर बॉयज। एक बात सुरेश जो श्रीलक्ष्मी के पिता है, उन्होंने रिकग्नाइज कि उस समय जो भी वेब ई डिजाइनर हुआ करते थे वो तकरीबन सारे के सारे बॉयज थे, एंड ही बिलीव्ड हिज डॉटर वाज जस्ट कैपेबल As these boys, एक पिता ने अपनी बेटी पर विश्वास जताया कि एक लड़की होने के बावजूद, एक गर्ल चाइल्ड होने के बावजूद, बच्चों के कंपटीशन में, बॉयज की कंपटीशन में श्री लक्ष्मी भी आगे एक्सेल कर सकती है। एंड श्योर इनफ व्हेन श्री लक्ष्मी ट्राइड हर हैंड एट वेब डिजाइन शी प्रूव्ड टू बी क्विक लर्नर। और बात सही साबित हुई, श्री लक्ष्मी ने जैसे ही ई डिजाइन पर ट्राई किया, अपने आप को एक बहुत ही क्विक लर्नर के रूप में उन्होंने स्थापित कर दिया। बहुत क्विकली वो सीख जाती थी इन चीजों को। यूजिंग एमएस वर्ड एंड अदर डिजाइन एप्लीकेशंस शी डेवलप्ड हर ओन यूनिक वेबसाइट डिजाइन्स। बेसिक एप्लीकेशंस थे एमएस वर्ड वगैरह, पर इन्हीं के माध्यम से उन्होंने डिजाइन के एप्लीकेशंस को समझना और फिर अपना यूनिक वेबसाइट डिजाइन्स डेवलप करना, ये काम शुरू कर दिया था। फॉर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स श्री लक्ष्मी स्पेंट एवरी फ्री मोमेंट आफ्टर स्कूल टीचिंग हर सेल्फ हाउ टू डिजाइन वेबसाइट। स्कूल से आने के बाद जो भी खाली समय मिलता था, श्री लक्ष्मी हमेशा प्रयास करती रही कि नए नए वेबसाइट की डिजाइन कैसे बनाए जा सकते हैं। आफ्टर फिनिशिंग हर होमवर्क शी वुड स्पेंट वर्क ऑन द कंप्यूटर फॉर एज लॉन्ग एज हर पेरेंट्स अलाउड। माता पिता जितनी देर के लिए इजाजत देते थे, परमिशन देते थे, उस समय का सदुपयोग करके श्री लक्ष्मी ने
बहुत सारा समय कंप्यूटर के लिए स्पेंड करना शुरू किया, नए नए डिजाइन्स पर वो काम करती रही। एंड व्हाइल हर पेरेंट्स डिड वरी अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्पेंडिंग सो मच टाइम ऑन द कंप्यूटर, स्पेशली द स्ट्रेन ऑन हर आईज, दे ऑल्सो न्यू शी वॉज नॉट जस्ट प्लेइंग अराउंड। अब हर एक माँ बाप की ये चिंता होती है, इतना समय अगर श्री लक्ष्मी कंप्यूटर पर है तो आंखों पर इसका तनाव हो सकता है, आंखों के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। और क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंप्यूटर पर सिर्फ गेम्स खेलते हैं या फिर पेंट में एमएस पेंट में टाइम पास करते हैं, तो श्री लक्ष्मी सिर्फ कंप्यूटर पर टाइम पास नहीं कर रही थी, वो सिर्फ खेल नहीं रही थी, शी वॉज डूइंग समथिंग डिफरेंट एंड समथिंग मोर देन प्लेइंग। एंड देयर डॉटर वॉज वर्किंग हार्ड एज दे वेयर कॉन्फिडेंट शुड बेनिफिट फ्रॉम द एक्सपीरियंस। माता पिता श्री लक्ष्मी के डेवलपमेंट को देख रहे थे, वो सिर्फ कंप्यूटर पर वक्त जाया नहीं कर रही है बल्कि उनको विश्वास था कि जिस प्रकार की कठोर मेहनत वो सिस्टम के साथ कर रही है, आगे ये अनुभव उसके बहुत काम में आएगा। एंड श्योर इनफ श्री लक्ष्मी प्रूव्ड देम राइट व्हेन एट द एज ऑफ 8 शी डिजाइन कंप्लीट सोफिस्टिकेटेड एंड फुल्ली ऑपरेशनल वेबसाइट फॉर हर स्कूल। और श्री लक्ष्मी ने अपने आप को साबित करके बताया कि वो कंप्यूटर पर वक्त जाया नहीं कर रही थी, 8 साल की नन्ही सी उम्र में एक सोफिस्टिकेटेड और फुल्ली ऑपरेशनल एक वेबसाइट उन्होंने अपने स्कूल के लिए बनाई। शी हैड टेकन इट अपॉन हरसेल्फ टू डिजाइन एन ऑफिशियल वेबसाइट फॉर द स्कूल आफ्टर रिलीजिंग इट डिड नॉट हैव वन। और जब श्री लक्ष्मी को इस बात का अंदाजा था कि उनके स्कूल के लिए उनका खुद का कोई वेबसाइट नहीं था, तो श्री लक्ष्मी ने 8 साल की नन्ही सी उम्र में अपने स्कूल के लिए एक वेबसाइट डिजाइन किया। एंड द रिजल्ट वाज फार बेटर देन द स्कूल कुड हैव एवर इमेजिन्ड, जिस बात की स्कूल कल्पना भी नहीं कर सकता था, परिणाम उससे बेहतर हुआ। एंड द वेबसाइट शी क्रिएटेड हैड इंफॉर्मेशन अबाउट एडमिशंस एंड करिकुलम, द हिस्ट्री ऑफ द स्कूल, इट्स फैकल्टी मेंबर्स, स्टूडेंट्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड स्टाफ, एज वेल एज सेक्शन अलाउंग पेरेंट्स टू आस्क फॉर एंड व्यू देयर चिल्ड्रन स्कूल रिपोर्ट्स। इतना सब कुछ 8 साल की उम्र में श्री लक्ष्मी अपने स्कूल के लिए कर गई। एक ऐसा वेबसाइट बनाया जिस वेबसाइट पर स्कूल के एडमिशंस को, करिकुलम को, सिलेबस को देखा जा सकता था, स्कूल का इतिहास भी वहां पर लोगों को दिखता था, फैकल्टी मेंबर्स कौन है, स्टूडेंट्स कौन है, हेडमिस्ट्रेस के बारे में जानकारी, स्टाफ के बारे में जानकारी, इतना ही नहीं अलग अलग सेक्शंस को पेरेंट्स देख सकते थे और अपने बच्चों का स्कूल रिपोर्ट भी वो ट्रैक कर सकते थे। इतनी सारी चीजें श्री लक्ष्मी सुरेश 8 साल में करिश्मा कर गई। द स्कूल वेबसाइट अशर्ड श्री लक्ष्मी ऑन टू इंटरनेशनल स्टेज। 8 साल की उम्र में अपने स्कूल के लिए जो उन्होंने एक वेबसाइट बनाई, उस कारनामे ने उन्हें इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचा दिया। ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स शी वाज द रेसिपिएंट ऑफ नियरली 30 अवार्ड्स। अगले कुछ सालों में ही फिर उनको 30 से ज्यादा अवार्ड से नवाजा गया। एंड दीज इंक्लूड द गोल्डन वेब अवार्ड, द आर्ट स्पेस वर्ल्ड वेब अवार्ड ऑफ एक्सलेंस 2006, 2007 एंड द ग्लोबल इंटरनेट डायरेक्टरीज गोल्ड अवार्ड टू द न्यू फ्यू। बहुत कम लोगों को जो अवार्ड मिलता है, ग्लोबल इंटरनेट डायरेक्टरीज गोल्ड अवार्ड वो भी उन्हें हासिल हुआ। टू ऑनर्स डिजर्व स्पेशल मेंशन, दो अवार्ड यहाँ पर स्पेशली मेंशन करने योग्य है। द फर्स्ट ऑफ दीज वाज श्री लक्ष्मीज एनरोलमेंट इन द अमेरिकन वेब मास्टर्स एसोसिएशन। सबसे एक बहुत अहम ऑनर उनको मिला, अमेरिकन वेब मास्टर्स एसोसिएशन में उनका नाम एनरोल हो गया। एंड द अमेरिकन वेब मास्टर्स एसोसिएशन इज अ प्रोफेशनल ग्रुप दैट वाज फाउंडेड इन 2003। एक प्रोफेशनल ग्रुप है अमेरिकन वेब मास्टर्स एसोसिएशन, जिसे हम AWA के नाम से जानते हैं। इट्स मिशन इज टू कनेक्ट एंड सपोर्ट दोज इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग इनोवेटिव वेबसाइट्स थ्रू डिजाइन, मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग। डिजाइन वेबसाइट डिजाइन के रूप में, वेबसाइट मैनेजमेंट और मार्केटिंग के फील्ड में जो जो व्यक्ति बहुत ही प्रोफेशनल काम करते हैं और अलग नए आइडियाज को लेकर, इनोवेटिव आइडियाज को लेकर आते हैं और वेबसाइट बनाते हैं, उनके लिए ये एसोसिएशन काम करता है।
The association is an organization committed to the development of individuals within the web profession and industry. Web profession और industry में IT industry में जो लोग काम करते हैं उनके लिए committed ये institution रहा है. At the time of her enrollment in the American Webmasters Association in 2007, Sri Lakshmi Suresh was the youngest and only member below 18. ये बात भी काबिले तारीफ है. जिस समय इस एसोसिएशन में उनका नामांकन हुआ तो सारे मेंबर्स जो थे उसमें सबसे कम उम्र की और 18 साल के नीचे की वो एकमात्र सदस्य थी. द सीईओ एट द टाइम इवन टुक इट अपॉन हरसेल्फ टू राइट टू श्रीलक्ष्मी कमेंटिंग हर ऑन हर ओन वर्क फॉर द स्कूल्स वेबसाइट. इतने कम उम्र में अपनी ही कंपनी के सीईओ बनने का सौभाग्य उन्हें मिला. द सेकेंड अवार्ड दैट स्टैंड्स आउट from the race was conferred upon Sri Lakshmi on 5th February 2009, which also happened to be her 11th birthday. 5 February 2009 को उन्हें एक prestigious award मिला जो 11वां birthday था उनका. This was the National Child Award for exceptional achievement given by the Minister of Women and Child Welfare in New Delhi. The Minister of Women Welfare or Child Women and Child Welfare New Delhi ने उन्हें 2009 में बहुत ही कामयाब करियर के लिए नेशनल चाइल्ड अवार्ड एक्सेप्शनल अचीवमेंट के लिए प्रदान किया. रिसीविंग नेशनल अवार्ड एट द एज ऑफ 11, 11 साल की उम्र में ही अपनी कामयाबी का झंडा लहराना और एक नेशनल लेवल का अवार्ड हासिल करना इज नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग, समथिंग मेनी कैन बूस्ट ऑफ, बट श्री लक्ष्मी सर्टेनली डिजर्व्ड सच ऑनर. इतने कम उम्र में श्री लक्ष्मी ने कामयाबी के जो नए नए शिखर हासिल किए वो डिजर्व करती है ऐसे बहुत सारे अवार्ड्स. बाय दिस पॉइंट शी हैड आल्सो लॉन्च्ड हर ओन स्टार्टअप ई डिजाइन व्हिच वाज अ वेब डिजाइनिंग कंपनी. और ये वही दौर था जब उन्होंने एक वेब डिजाइनिंग कंपनी खुद की शुरू की 11 साल की उम्र में. श्री लक्ष्मी वॉज वेरी प्राउड ऑफ हर पेरेंट्स एफर्ट्स एंड हैड बिग प्लान्स फॉर ई डिजाइन. शी वॉज ओनली अवेयर ऑफ एक्सपेक्टेशंस पीपल हैड. इतने कम उम्र में जब उन्होंने ई डिजाइन बनाया, वेबसाइट बनाया स्कूल के लिए, तो लोगों की अपेक्षाएं उनसे बहुत बढ़ गई. एंड स्टार्टिंग अ वेब डिजाइन कंपनी वुड ओनली इंक्रीज द प्रेशर ऑन हर टू लिव अप टू एंड एक्सीड दिस एक्सपेक्टेशंस, बट शी वाज रेडी फॉर द टास्क. अपनी वेबसाइट बनाने के बाद में ई डिजाइन के फील्ड में काम करने के लिए फिर लोगों की उम्मीदें बढ़ेंगी, अपेक्षाएं बढ़ेंगी और इस सारी उम्मीदों के बोझ को धोना भी होगा. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैरी सच लोड ऑफ एक्सपेक्टेशंस, बट शी वॉज रेडी फॉर द टास्क. इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू सिक्योर अ टॉप फॉरेन क्लाइंट्स, श्री लक्ष्मी चोज टू स्टार्ट स्मॉल, वर्क हर वे अप, एंड शी न्यू शी हैड अ लॉट टू लर्न एज वेल. फॉरेन के बड़े बड़े कस्टमर्स ढूंढना उनका मकसद नहीं था, क्लाइंट्स ढूंढना, पर एक छोटा सा काम शुरू करना यही उनका मकसद था ताकि कुछ चीजें सीखने को भी मिले. पर टेक्नोलॉजी इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग. श्री लक्ष्मी जानती थी कि टेक्नोलॉजी हर रोज बदल रही है. एंड व्हाट इज चेंजिंग टुडे कैन बिकम ऑब्सोलेट बाय द एंड ऑफ द वीक. आज जिस बात का ट्रेंड चल रहा है हो सकता है एक हफ्ते के बाद वो अस्तित्व में ना रहे, आउटडेटेड हो जाए. कंप्यूटर के फील्ड में, मोबाइल के इंडस्ट्री में रोज नए नए इनोवेशन इन्वेंशन होते रहते हैं. आज जो चीज आई वो कल इमीडिएट आउटडेट हो जाती है. सो इन ऑर्डर टू मेंटेन हर स्टैंडर्ड्स, द क्वालिटी ऑफ हर वर्क एंड द ग्रोथ ऑफ हर वेंचर, श्री लक्ष्मी केप्ट स्टडिंग न्यू एंड डेवलपिंग टेक्नोलॉजीज. इसलिए जरूरी था श्री लक्ष्मी के लिए हर रोज नए टेक्नोलॉजीज को, डेवलपिंग टेक्नोलॉजीज को समझना, इनोवेटिव आइडियाज को लेके आना. एंड शी केप्ट सर्चिंग फॉर मोर देन टू लर्न, और सीखने के लिए बहुत कुछ वो तलाश करती रही. Her dream was to make her company one of the top of IT companies in the world. Shri Lakshmi Suresh ने जो e-design नामक खुद की कंपनी स्टार्ट की e-designing के फील्ड के लिए, वो चाहती थी कि IT companies के क्षेत्र में उनकी कंपनी सबसे टॉप पर पहुंचे. And to be the master in my field, वो अपनी फील्ड में मास्टरी हासिल करना चाहती थी. I have to work hard and study more and more to achieve this. श्री लक्ष्मी इस बात को समझती है कि इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए उन्हें हर पल काम करना होगा. एवरी मोमेंट शी हैज टू वर्क टू अचीव दिस टारगेट.
and she wanted to become a software engineer and work on developing new user-friendly ऑपरेटिंग सिस्टम्स. नए ऑपरेटिंग सिस्टम्स को बनाना, वो भी यूजर फ्रेंडली हो, लोग आसानी से हैंडल कर सके, ऐसे नए ऑपरेटिंग सिस्टम्स को बनाने के लिए वो दृढ़ संकल्प उन्होंने लिया. ऑल ऑफ दैट वॉज गोइंग टू रिक्वायर अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, पर ये सभी रिक्वायर करते थे बहुत हार्ड वर्क. सीईओ शी टॉक्स अबाउट हर ड्रीम ऑफ बिकमिंग वर्ल्ड क्लास वेब डिजाइनर एंड अबाउट द स्ट्रगल्स ऑफ लॉन्चिंग स्टार्टअप एज माइनर. एक उम्र में छोटे होने के कारण, 18 साल के माइनर होने के बावजूद भी खुद की कंपनी ई डिजाइन के रूप में शुरू करना एक चैलेंजिंग टास्क था. टुडे श्री लक्ष्मी इज फिनिशिंग कॉलेज, शी हैज बिग ड्रीम्स ऑफ हर फ्यूचर. जिस समय इस प्रोस को एक्सट्रैक्ट को लिखा गया, उस समय श्री लक्ष्मी कॉलेज का एजुकेशन कंप्लीट ही कर रही थी, उनके सपने बहुत बड़े हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट हाउ एज इज जस्ट अ नंबर, वी ऑफन रेफर टू हाउ ग्रोइंग ओल्डर डज नॉट मीन यू शुड गिव अप ऑन योर ड्रीम्स. उम्र के साथ साथ आप कितने साल के हैं ये जब मायने रखता है, पर एक बात और ध्यान में रहती है, अपने सपनों का पीछा करते समय आपको सपनों को छोड़ना नहीं है. श्री लक्ष्मी सुरेश हैज टर्न्ड दिस एक्सप्रेशन ऑन इट्स हेड एंड रिमाइंडेड द वर्ल्ड दैट बीइंग यंग डज नॉट मीन यू कैन नॉट ड्रीम बिग एज वेल. इस एक्सट्रैक्ट में सबसे खूबसूरत बात यही है. श्री लक्ष्मी सुरेश की उस विचार को हमें समझना पड़ेगा. उम्र में छोटे होने का मतलब ये नहीं होता कि बड़े सपने नहीं देखने चाहिए. बेहतरीन लाइन है, छोटी उम्र में भी सपने बड़े देखे जा सकते हैं. डोंट थिंक दैट समथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर चिल्ड्रन. और चाइल्ड प्रोडिजी है श्री लक्ष्मी सुरेश, उन्होंने इस बात को साबित करके दिया कि कोई भी बात बच्चों के लिए असंभव है ऐसा मत समझिए. वी कैन अचीव वॉट एवर एल्डर्स कैन डू. उम्र दराज लोग, बड़े लोग उम्र में जो है वो जो हासिल कर सकते हैं वो बच्चे भी हासिल कर सकते हैं, इफ वी हैव द विल, अगर इच्छा शक्ति है तो. शी फर्मली बिलीव्स दैट इफ यू आर कॉन्फिडेंट दैट यू आर कॉम्पिटेंट, अगर आप सक्षम हैं और काबिल है एंड प्रिपेयर टू वर्क हार्ड, नथिंग इज इम्पॉसिबल. ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, आपका कॉन्फिडेंट होना, साथ ही साथ आपका कॉम्पिटेंट भी होना. आत्मविश्वास जरूरी है, साथ में काबिलियत भी जरूरी है. ये दो चीजें आपके साथ है तो फिर इम्पॉसिबल आपके लिए कुछ भी नहीं. इस प्रकार से एक प्रेरणादायी व्यक्तित्व के बारे में हमने जानने का प्रयास किया. उम्मीद करते हैं दिस डिस्कशन विल हेल्प यू टू आंसर द क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस. परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ये डिस्कशन तो मदद करेगा, पर आपके जिंदगी के बहुत सारे सवालों को सॉल्व करने के लिए भी ये डिस्कशन काम करेगा. क्यों ना श्री लक्ष्मी सुरेश से प्रेरणा ली जाए, अपने आप को स्थापित किया जाए. कम से कम उम्र में ज्यादा से ज्यादा कामयाब होने का प्रयास कीजिए. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.